शोहर का नफ्स औरत की कौन सी दो चीजें देखकर फौरन तन कर खड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं डॉक्टर दुआ कश्मीरी आप सब लोगों को तमाम नाज़रीन को अपने चैनल में खुश आमदीद करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो दो कौन से अज़ू हैं। दोस्तों, आदमी को अज़ू के और औरत के पस्तान और बहुत ज़्यादा वो अपनी तरफ मायल करती हैं। औरत के पस्तान देखकर आदमी को गर्मी चढ़ती है। इसी तरह औरत का पिछला हिस्सा यानी औरत के कोल्हे देखकर आदमी को देखकर बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते हैं और वो उन्हीं दो चीज़ों को देखकर हम बिस्तरी की तरफ रागिब होता है और यही दो चीज़ें देखकर उसके अज़ू में इस कदर गर्मी आ जाती है कि वो तन कर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो गैर मर्दों को अपनी तरफ माइल करती हैं। दोस्तों, वो भी अपने यही दो अज़ा दिखाकर आदमियों को अपनी तरफ माइल करती हैं। वो अपनी छातियों से मुख्तलिफ इशारे करती हैं, अपने आँखों की मदद से इशारे करती हैं और गैर मर्दों को अपनी तरफ रागिब करती हैं। ये ज़्यादातर बड़ी उम्र की औरतें होती हैं जो इस तरह के काम करती हैं। उनके मियाँ उनको मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं कर पाते या उनकी शादी नहीं हुई होती। वो अपनी गर्मी मिटाने के लिए ज़्यादातर छोटे नौजवानों को अपनी तरफ रागिब करती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी औरतों से ज़रा खबरदार रहिए और दूर रहिए क्योंकि ये आपको इस्लाम से दूर कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल इससे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।